इमेजिन करो कि आपके पिता अंग्रेजों के समय के सिविल सर्जन, उस आराम और लग्जरी को भी इमेजिन करो। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में एक एजुकेटेड और रिच हिंदू पंजाबी खत्री परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर दत्तमल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे और मदन लाल 8 बच्चों में से एक थे। ढींगरा सहित सभी 6 बेटों ने विदेश में पढ़ाई की। ढींगरा 1900 तक अमृतसर के MBA इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाहौर चले। यहाँ वह अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट से प्रभावित थे जो उस समय इंडिपेंडेंस की जगह होम रूल की मांग कर रहा था। ढींगरा भारत की गरीबी से विशेष रूप से परेशान थे। उन्हें भारतीय गरीबी और अकाल के कारणों से संबंधित साहित्य का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया और महसूस किया कि इन समस्याओं के समाधान खोजने में प्रमुख मुद्दे स्वराज और स्वदेशी आंदोलन ही हैं। 1904 में मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम में एक छात्र के रूप में ढींगरा ने कॉलेज ब्लेजर को ब्रिटेन से इंपोर्टेड कपड़े से बनाने के प्रिंसिपल के आदेश के खिलाफ एक छात्र विरोध का नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। उनके पिता जो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में खराब राय रखते थे, उनसे कॉलेज प्रबंधन ने माफी मांगने और दोबारा ऐसी गतिविधियों में न भाग लेने और निष्कासन रोकने के लिए कहा। ढींगरा ने इनकार कर दिया और यहां तक कि अपने पिता के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए घर नहीं जाने तक का फैसला किया, बल्कि नौकरी करने और अपनी इच्छा के अनुसार रहने का फैसला किया। इस प्रकार अपने टर्मिनेशन के बाद ढींगरा ने कालका में एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी की जो गर्मियों के महीनों में तांगा गाड़ी की सेवा देती थी। इसके बाद 1906 में ढींगरा लंदन गए। वहां ढींगरा फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशनरीज विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के कांटेक्ट में आए, जो उनकी परसीवरेंस और इंटेंस देशभक्ति से प्रभावित हुए, जिससे उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर केंद्रित हो गया। सावरकर रिवॉल्यूशन में विश्वास करते थे और उन्होंने मर्डर के लिए ढींगरा को प्रेरित किया। बाद में ढींगरा इंडिया हाउस से दूर हो गए और टॉटनम कोर्ट रोड पर एक शूटिंग रेंज में अक्सर जाने लगे। वह सावरकर और उनके भाई गणेश द्वारा स्थापित एक सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत मंडल में शामिल हुए और उसके मेंबर भी बन गए। इस अवधि के दौरान सावरकर, ढींगरा और अन्य छात्र कार्यकर्ता 1905 के बंगाल पार्टीशन से नाराज थे। ढींगरा को उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के कारण उनके पिता ने डिसोन कर दिया था। उनके पिता इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने फैसले को न्यूज़पेपर एड्स में प्रकाशित किया। भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन को मारने की कोशिश की थी। उसने ईस्टर्न बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बमफिल्ड फुलर की हत्या करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन दोनों को एक बैठक में शामिल होने में देर हो गई थी, इसलिए वह अपनी योजना को पूरा नहीं कर सके। कहा जाता है कर्जन वाइली ढींगरा के पिता के एक घनिष्ठ मित्र थे। 1 जुलाई 1909 की शाम को ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ईयरली समारोह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। जब भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के राजनीतिक सहयोगी कर्जन वाइली अपने पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो ढींगरा ने सीधे उनके चेहरे पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 उनके निशाने पर लगी। क्यावास लाल काका एक पारसी डॉक्टर था जिसने कर्जन वाइली को बचाने की कोशिश की थी। ढींगरा की 6ठी और 7वीं गोली से उसकी मृत्यु हो गई, जो उसने इसलिए चलाई क्योंकि लालका का उनके बीच में आ गया था, को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कर्जन की हत्या भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई थी और उनके कार्य देशभक्ति से प्रेरित थे। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जज द्वारा अपने फैसले को सुनाए जाने के बाद ढींगरा ने कहा, मुझे अपने देश के लिए अपनी जान देने पर, सम्मान पाने पर गर्व है, लेकिन याद रखें, आने वाले दिनों में हमें अपना समय जरूर मिलेगा। उनकी फांसी के बाद ढींगरा के शरीर को हिंदू दाह संस्कारों से वंचित कर दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दफना दिया गया था। उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अधिकारियों ने शव सावरकर को सौंपने से इनकार कर दिया। ढींगरा का ताबूत गलती से तब मिला जब अधिकारी शहीद उधम सिंह जी के अवशेषों को खोज रहे थे और 13 दिसंबर 1976 को उन्हें भारत वापस लाया गया। उनके अवशेष महाराष्ट्र के अकोला शहर के एक मुख्य चौराहों में से एक में रखे गए, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। ढींगरा को आज भारत में व्यापक रूप से याद किया जाता है। वह उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा थे। यह मदन लाल साहब की कहानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया और देश के लिए अपना सर्वस्व नौछावर किया। हमारे देश के ऐसे वीर को हमारा सलाम।